जनाले विच घटना वापरी है वो कोई अपना जाति काम दे करके घटना वापर दी। एक एडवोकेट जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने उन्होंने चिट्ठी भी भेजी है मंत्रालय के कि अतवादी गतिविधियों को अंजाम दिता जा रहा। निजी गलों के सरकार इदा एफ आई आर नहीं करती, वकीलों ने सारा वो एफ आई आर जी डिकोड की किमें काली दे सारा कुछ किया गया। उद्दे विच 20-25 30 बंदियां नूं नामजद कर लेना 5-6 बंदियां नूं, है ना, बिना किसी दे सबूतों तो सिर्फ बयानों के आधार पर। पंजाब के लोग कहते हैं कि साढ़े मुद्दे की गल क्यों नहीं होती, चंडीगढ़ का मुद्दा वा, पानिया का मुद्दा वा। नशिया का मुद्दा सब तो बड़ा मुद्दा है, नौजवानी बचेगी तो इन मुद्दों की गल होगी। हथियारों वास्ते कहा कि हर नौजवान हथियार चाहिए, पर सरकार वालों ऐलान कर दिया हथियार नहीं, जिहड़ा हथियार लड़ाएगा उत्ते परचा दर्ज होगा, 400 बंदे का परचा दर्ज कर दिया गया। कई बार हथियार दिखाने की लोड़ होती है ता जो उसकी वरतों ना करनी पवे, कानून बंदा किधर का के रखूगा। कारण इशू किए हुए ने किसी थ्रैट में वेखते किए हो सरसे वाले करके साध है जिन्हें बेदबी की है जिन्होंने बंब धमाके किए पंजाब च उन्होंने सरकार खुले छड़ दी है। मानो चाल दे विच इस वक्त असी मौजूद हैं जिथे शहीदी समागम से भाई अमृतपाल सिंह पहुंचे ने, एक बार तस्वीर तुहाडे नाल साझी कर दिंदे आं। वड्डी गिणती विच सिंह मौजूद ने भाई अमृतपाल सिंह जी दे नाल, तां तस्वीरां देख सकदे जी, पिंड महानोचाल दे विच मौजूद सी जिथे शहीदी समागम रख्या गया सी, जिथे भाई अमृतपाल पहुँचे हुए ने। गलबात भी जरूर साझी करांगे कि किस तरीके दे नाल होर गतिविधियां नूं अंजाम दिता जाएगा। भाई साहब इत्थे मौजूद ने, कोशिश करते हैं गलबात करन दी। फिलहाल तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि तमाम सिंह जिहड़े ने ओह नाल दिखाई दे रहे ने, आप देख सकते हो कि स्वागत किया जा रहा भाई अमृतपाल सिंह जी का। सो तस्वीर देख सकते हो, ये महानोचाल दी तस्वीर ने, महानोचाल जिथे खास समागम के उत्ते पहुंचे ने भाई अमृतपाल सिंह। तमाम सिंह इत्थे मौजूद ने। भाई साहब शहीदी समागम से पहुंचे हो, शहीदी समागम से पहुंचे हो, की कहना चाहते हो? देखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। शहीदी समागम जिहड़े कौम च होंदे आ साडे शहीदां जिन्हां साडी खातर अपना लहू डोलिया उन्हां दे शहीदी समागमां ते पहुंचण दा जिहड़ा सारे सिखां दा फर्ज है। सो अज बाबा महानोचाल जिहड़े थम रहे ने सिख संघर्ष दे, उन्हां दी शहीदी दिहाड़ा है ते असीं अज उन्हां दे पिंड नगर पहुंचे हैं। पहली बार ते मैं बहुत अपने आप नूं ये भागां वाला मानदा कि ऐसे जरनैल जिहड़े सिंह ने साडे वास्ते अपना घर बार छड के ते अपना जिहड़ा सारा कुछ परिवार तक कुरबान कर दिता, उन्हां दे अज असीं चरणां दे विच आए हां, गुरु साहिब कृपा कर। अच्छा भाई साहब कुछ होर भी सवाल ने पंजाब दे विच, चावो ते आपां चर्चा कर सकते हैं। पंजाब दे विच कि जिहड़ा कि जिहड़ा जनाले विच घटना वापरी है वह कोई अपना जाति काम दे करके घटना वापर दी। एक एडवोकेट जिहड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने उन्होंने चिट्ठी भी भेजी है मंत्रालय दे विच कि अतवादी गतिविधियों नूं अंजाम दिता जा रहा। देखो पहली गल ते पटे जी अजनाले की घटना है उन्होंने निजी कहना वो वैसे ही मेरे ख्याल न किसी को जानकारी ना हो तो वक्री विषय है। निजी गलों के सरकार इदा एफ आई आर नहीं करती, वकीलों ने सारा वो एफ आई आर जी डिकोड की किमें काली दे सारा कुछ किया गया। उद्दे 20-25 30 बंदियां नूं नामजद कर लेना 5-6 बंदियां नूं, है ना, बिना किसी दे सबूतों तो सिर्फ बयानों के आधार पर। एक सुर क्यों उठ लगे, बहुत सारे बगावती सुर, देखो बगावती सुर उदों उठते हैं जदों आपां आवाजां नूं दबदे हां, ठीक है। सरकारां नूं चाहीदा है कि धर्म प्रचार का काम ना रोकन तो सानू शांतमई तरीके अपना काम करना। अच्छा पंजाब के लोग कहते हैं कि साढ़े मुद्दे की गल क्यों नहीं होती, चंडीगढ़ का मुद्दा वा, पानिया का मुद्दा वा, होर मुद्दे बहुत सारे आ गए। गल हो रही है देखो जी आवाज़ असी दब, नशिया का मुद्दा सब तो वड्डा मुद्दा है, नौजवानी बचेगी तो इन्होंने मुद्दे की गल होगी। मोर्चे लगे हुए हैं, मोर्चे की हाजिरी भरी जा रही है।
लगता नहीं कि जिस तरह हथियार आप हथियार वास्ते क्या हर नौजवान हथियार चाहिए पर सरकार वालों ऐलान कर दिया हथियार नहीं जो हथियार लड़ाएगा उसे परचा दर्ज होगा 400 बंदे से परचा दर्ज कर दिया गया। देखो एक गलत गल है जो सरकार ने लाइसेंस इशू किए हैं ना तो वो इस करके किए हैं उन्होंने जरूरत है कई बार हथियार दिखाने की लोड़ होती है ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਬਣਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ।